दोस्तों ये टीवीएस अपाची आरटीआर है, इसका पिस्टन देख रहे हैं, पिस्टन में गजब का हॉल हो गया है। और इसका हेड भी पूरी तरीके से पूरा स्क्रैच हो गया है, पूरा घाट हो गया है, देख रहे हैं। तो ये वाल टूट गया था, देख रहे हैं, ये इनलेट वाला आउटलेट वाला वाल है, सरेंसा साइड वाला, ये टूट गया। और ये वाल टूटने के कारण पिस्टन में छेद हो गया, देख रहे हैं, ये पिस्टन में छेद हो गया है, देख रहे कितना बुरी तरीके से छेद हुआ है, बहुत हैवी छेद हुआ है इसमें। और ये गाड़ी लॉक हो गई थी, गाड़ी पानी में खड़ी थी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो एक बार स्टार्ट हुआ ना, तो जिनका बाइक है उन्होंने बहुत ज़ोर से एक्सेलरेट किया, तो उसके बाद ये लॉक हो गई तो फिर हमारे पास आई, तो हमने इसे खोला, तो देख रहे हैं कि इसका पिस्टन ही टूटा हुआ है। मैं इसका ब्लॉक को खोलता हूँ, ब्लॉक को खोल कर बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ। मेरे ख्याल से क्रैंक अगर डैमेज हुआ हो तो क्रैंक भी हमें बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम वाल वगैरह से ही होता है, वाल वगैरह अगर किसी कारणवश टूट गया तो उससे ही होता है। अब देखते हैं, इसे हम खोलते हैं और क्रैंक का क्या हालचाल है, इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ एक नट, 8 नंबर का नट खोलना है, उसे खोल लेते हैं। पहले तो ये लॉक हुई, लॉक होने के बाद धुआं वगैरह गाड़ी कुछ भी नहीं दे रही थी, तो हमने सोचा कि क्लच का कोई नट वगैरह खुल गया होगा, तो हमने क्लच खोला। क्लच खोलने के बाद कुछ उधर दिखाई नहीं, उसके बाद हमने मैग्नेट खोला, मैग्नेट में भी कुछ दिखाई नहीं, फिर ये खुद ब खुद फ्री हो गया। फिर हमने चेंबर में कुछ टूटा हुआ पार्ट पाया, पिस्टन का जो छेद हो गया ना, उसका कुछ पार्ट चेंबर के अंदर में था, बीच चेंबर में था, हालांकि गैप रहता है, हमने उसे वहां से निकाल लिया। फिर हमने देखा ये तो पिस्टन का पार्ट है, तब फिर हमने हेड खोला, और हेड खोलने के बाद देख रहा हूँ कि पिस्टन डैमेज हो गया है, पिस्टन टूट गया है, पिस्टन को हमें चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं ब्लॉक चेंज करेंगे या पिस्टन चेंज करेंगे, कस्टमर के बजट के अनुसार काम करना होगा। पहले मैं क्रैंक को चेक कर लेता हूँ, क्रैंक का क्या हालचाल है, अगर क्रैंक सही होगा तो कम सस्ते में निपट जाएगा, अगर क्रैंक में कुछ हुआ होगा, हालांकि कनेक्टिंग तो दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, अगर कनेक्टिंग कुछ नहीं हुआ होगा तब तो सस्ते में निपट जाएगा, लेकिन अगर कनेक्टिंग भी कुछ हुआ होगा तब तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले हम इसे खोल लेते हैं और खोलने के बाद देखते हैं कि क्या है। कभी कभी ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं ना कि जो होना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे फॉल्ट हो जाते हैं गाड़ी में। चलिए हम इसको पिस्टन को निकालते हैं, ब्लॉक को, कनेक्टिंग तो सही दिख रहा, यहाँ पे एक होल हो गया, वाल जो टूटा ना तो इसी जगह पे वाल मारा है, और पिस्टन में उतना पिस्टन मजबूत थोड़ी होता है, एल्युमिनियम का होता है, तो वो टूट गया। वाल टूटने के कारण ये पिस्टन डैमेज हो गया, और इसका कनेक्टिंग हमें सही दिख रहा है। पहले हम पिस्टन को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, लॉक निकाल कर पिस्टन पिन को बाहर निकालते हैं। ये लॉक निकाल रहे हैं, उसके बाद पिस्टन पिन को बाहर निकालेंगे, और क्रैंक तो ठीक ही दिख रहा है, मुझे क्रैंक में कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, और इसका जो टूटा हुआ कुछ पार्ट होगा उसे हम निकाल लेंगे। वैसे तो निकाल ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी होगा उसे चेक कर लेंगे। तो पहले हम पिस्टन पिन को निकाल के पिस्टन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद चलिए हम पिस्टन पिन को निकालते हैं, धक्का देते हैं इधर से तो उधर से बाहर निकलेगा, इस जगह से ये बाहर आ गया। क्रैंक तो सही है, क्रैंक में कुछ भी नहीं हुआ, क्रैंक सही है, मतलब कि सिर्फ इसका पिन का हॉल भी सही है, कनेक्टिंग का जो जहाँ पिन लगता है ना वो भी सही है, वहाँ स्क्रैच वगैरह भी कुछ नहीं है, और क्रैंक ख़राब भी नहीं है। तो ये पिस्टन हमें चेंज करना पड़ेगा, पिस्टन चेंज करना पड़ेगा, पूरा पिस्टन चेंज करना पड़ेगा हमें, फिर आर पार हॉल हो गया है, और ये टूट कर डायरेक्ट चेंबर में चला गया। अगर टूट कर अगर ये कनेक्टिंग वगैरह में फंसता ना तो रड टेढ़ा हो जाता, लेकिन रड टेढ़ा नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि रड वगैरह बैंड हो जाता है। एक बार तो एक कस्टमर का पानी घुस गया था हेड में, वो जबरदस्ती किक मारे लीवो था, क्रैंक ही बैंड हो गया था, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा और हेड का काम कराना पड़ेगा। टाइमिंग चेन न्यू है, टाइमिंग चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसा नहीं है कि टाइमिंग आउट होने से ऐसा हुआ, टाइमिंग वगैरह सब सही है, लेकिन टूट गया, पता नहीं टूट गया।
देख रहे ये पूरा हेड ना पूरा डैमेज हो गया है, ये देख रहे ये बाहर से मतलब टूट गया ना, तो ये बाहर वहाँ पर बैंड हो गया, वाल बैंड हो गया, इसलिए ये बाहर नहीं आया हुआ है। तो लॉक को निकालना पड़ेगा हमें और इसे पूरा फ्रेश करवाना पड़ेगा, हेड को हेड पूरा फुल्ली फ्रेश करवाना पड़ेगा, ये पूरा डैमेज है, ये पूरा फ्रेश करवाना पड़ेगा हमको, और हेड का काम करवाना पड़ेगा और पिस्टन लगवाना पड़ेगा। तो इसे लेथ से काम करवा कर लाते हैं, उसके बाद इसे फिटिंग करते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा प्रॉब्लम हमेशा देखने को नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हम इसलिए ये वीडियो बनाए। और ये क्रैंक देख रहे हैं, क्रैंक का बीच में कुछ कुछ पार्ट फंसा हुआ होगा इसका, पिस्टन का, हालांकि ज़्यादातर पार्ट तो निकल गया है, लेकिन हल्का फुल्का कुछ भी होगा तो उसे चेक कर लेंगे, पूरा इंजन खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह हो गया ये पूरा पूरा डैमेज। चलिए कोई बात नहीं, मशीनरी चीज़ें ऐसा होते रहता है, लेकिन कस्टमर को तो नुकसान हुआ ना बिना मतलब का। हालांकि इससे रिपेयर करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए, पिस्टन चेंज होगा, वाल चेंज होगा और बोर करवा देंगे इसमें, 25 का स्टैंडर्ड है, 25 का बोर करवा देंगे तो ये काम हमारा निकल जाएगा। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी बहुत बहुत दिनों पर आता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।